गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास सिक्स के आज संस्कृत व्याकरण में आप लोग को हम एक संस्कृत अनुच्छेद पढ़ाने जा रहे हैं। संस्कृत अनुच्छेद कैसे लिखेंगे और संस्कृत अनुच्छेद का क्या मीनिंग है? संस्कृत अनुच्छेद का मीनिंग होता है जो संस्कृत में निबंध, जैसे हिंदी में निबंध लिखते हैं वैसे ही संस्कृत में निबंध। अब संस्कृत में निबंध कैसे लिखेंगे, तो पहले क्या करेंगे, तो हिंदी लिख लेंगे। जिस विषय पर संस्कृत में निबंध लिखना होगा उस विषय में पहले हम हिंदी लिख लेंगे। इसके बाद हिंदी लिखने के बाद उसका संस्कृत बनाएंगे। जैसे हम लिखेंगे अस्माकं विद्यालय, अर्थात हमारा विद्यालय। अब हमारे विद्यालय पे कैसे संस्कृत में लिखेंगे, तो पहले हिंदी लिख लेंगे। जैसे लिखेंगे सबसे प्रारंभ में कि हमारे विद्यालय का नाम वुडवाइन मॉडर्न विद्यालय है। अस्माकं विद्यालयस्य नाम वुडवाइन मॉडर्न विद्यालय अस्ति। अस्माकं विद्यालय सप्त सहस्राः छात्र छात्राः सन्ति। हमारी विद्यालय में 7000 छात्र छात्राएं हैं। सप्त मतलब 7 और सहस्र मतलब 1000। 7000 7 छात्र छात्राएं हैं। कभी भी किसी भी विषय का जब निबंध लिखना होगा तो वहाँ का वर्णन ही करेंगे। जैसे अपने विद्यालय का लिखना है, अपने शिक्षक के ऊपर लिखना है, छात्रों के ऊपर लिखना है, उसका वर्णन ही करते रहेंगे। अब लिखेंगे आगे अस्माकं विद्यालये 200 शिक्षकाः सन्ति। हमारे विद्यालय में 200 शिक्षक हैं। इसके बाद लिखेंगे अस्माकं विद्यालये पुष्पवाटिका अति सुंदरम अस्ति। हमारे विद्यालय में फूल का बगीचा बहुत सुंदर है। अस्माकं विद्यालये क्रीड़ा क्षेत्रम अति विशालम अस्ति। हमारे विद्यालय में क्रीड़ा क्षेत्र अर्थात खेल का मैदान बहुत विशाल है। इसके बाद लिखेंगे अस्माकं विद्यालये संगणक यंत्रम अपि अस्ति। हमारे विद्यालय में कंप्यूटर मशीन भी है। इसके बाद आगे लिखेंगे अस्माकं विद्यालये विज्ञान प्रयोगशाला अस्ति। हमारे विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला है। इसके बाद लिखेंगे अस्माकं विद्यालये पुस्तकालय अति विशालम अस्ति। हमारे विद्यालय में पुस्तकालय बहुत विशाल है। आगे लिखेंगे अस्माकं विद्यालये अध्ययन व्यवस्था अति सुंदरम अस्ति। हमारे विद्यालय में अध्ययन का व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। आगे लिखेंगे अस्माकं विद्यालये 500 कक्षा अस्ति। हमारे विद्यालय में 500 कमरे हैं, अर्थात पढ़ने की जो व्यवस्था है क्लास की वह 500 कमरे। अस्माकं विद्यालये प्राचार्या महोदया अति सुयोग्या अस्ति। हमारे विद्यालय में जो प्राचार्य महोदया है बहुत ही सुयोग्य है। आगे लिखेंगे अस्माकं विद्यालये सदा एक समय चलति।
अर्थात हमारे विद्यालय हमेशा एक समय से ही चलती है, अर्थात हमारे विद्यालय की जो समय है वो बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही हम संस्कृत निबंध लिखेंगे। अब आप लोग को क्या करना है, तो जैसे अस्माकम विद्यालय लिखे हैं वैसे ही उसके सबसे प्रारंभ में लिखेंगे मम विद्यालय, मेरा विद्यालय। आप लोग को मम से प्रारंभ करना है। जैसे लिखेंगे मेरे विद्यालय का नाम वुडवाइन मॉडर्न विद्यालय है, क्या लिखेंगे, तो मम विद्यालय से नाम वुडवाइन मॉडर्न विद्यालय अस्ति। ऐसे ही आप लोग को भी क्या करना है, तो मम से प्रारंभ करके सात वाक्य से ज़्यादा जितना भी होगा संस्कृत निबंध लिखेंगे। ठीक है, अगली कक्षा में फिर हम निबंध बताएंगे।